दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन ब्लॉग्स। और आज फिर हाजिर हैं, कुछ नए कबूतर दिखाएंगे और एक बात का और पता लगाएंगे कि कबूतर को जो है हेल्दी रखने के लिए क्या करें, फिट और फाइन रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। तो ये आज मेल्स को खोला है मैंने, मेल्स को खोलने का नंबर था, साथ में ये ब्रीडिंग पेयर्स भी खुले हुए हैं। तो दोस्तों अपन ये कैसे पता लगाएंगे कबूतरों को मल्टीविटामिन की ज़रूरत है या ताकत की ज़रूरत है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो देखिए, जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं, जो उड़ान वाले होते हैं, उनको तो जब जिस दिन उड़ान देंगे आप, रेगुलरली मल्टीविटामिन की ज़रूरत रहती है, जो भी आप दे सकते हैं ताकत की चीज़ें तब ज़रूरत होती है, अच्छी दाने पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ब्रीडिंग लॉफ्ट होती है अपनी, जो ब्रीडिंग लॉफ्ट होती है उसमें अपन ये पता कैसे लगाएं, दिखने में सारे कबूतर हेल्दी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सारे कबूतर पूरे फिट और फाइन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें ये पता कैसे लगाएंगे इनको विटामिन्स की ज़रूरत है या कैल्शियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, गार्ड बांध के रख लीजिएगा, कबूतर दिखने में कितनी हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन जैसे कि ये बच्चा पल रहा है, ठीक है, ये बच्चा पल रहा है अंदर, और ये बच्चे को दाना भरना बंद कर दे कबूतर, कबूतर बच्चे को मारने लगे दाना पानी खिलाए बिना, जबकि आप दाना बहुत अच्छा दे रहे हैं, पानी बहुत अच्छा दे रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कबूतरों को कैल्शियम की भी ज़रूरत है, विटामिन्स की भी ज़रूरत है, जो चीज़ आप दे रहे हैं उन सब चीज़ों की कबूतरों को ज़रूरत है। और आप ब्रीडिंग लॉफ्ट के अंदर आप रेगुलरली आप विटामिन्स या मिनरल चला रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाइपो विटामिनोसिस बहुत मुश्किल वो है, यानी कि विटामिन्स की कमी, ठीक है, इससे ज़्यादा नुकसान है, हाइपर विटामिनोसिस मतलब ज़्यादा विटामिन्स दे दिया आपने तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा कबूतरों को खासतौर से, ठीक है, अगर ज़्यादा दे दिया आपने तो, क्योंकि कबूतर रेगुलरली ब्रीड पे कर चल रहे हैं तो उसमें विटामिन्स की ज़रूरत रेगुलरली पड़ती है, क्योंकि कबूतरों को रोज़ दाना खिलाना है, रोज़ बच्चों को दाना खिलाना है, रोज़ बच्चों का पेट भरना है और खुद का भी भरना है, तो उसमें ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये सबसे आसान तरीका है पता लगाने का कि कबूतरों को विटामिन्स की ज़रूरत कब है, ठीक है। तो जब कबूतर बच्चे मारने लगें, जब कबूतर बच्चों को दाना पानी खिलाए बिना उनको मारने लगें, तो इसका मतलब है कबूतरों को विटामिन्स की ज़रूरत है, और रेगुलरली आप इनको विटामिन्स दे सकते हैं। अब इसमें एक ब्रांड, दो तीन ब्रांड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर भी सकते हैं, वरना कई सारे ब्रांड्स आते हैं, ए टू जेड आता है ना, और मैनकाइंड के आते हैं कई ब्रांड्स, तो उसमें आप कई ब्रांड्स आप दे सकते हैं, लेकिन जो मैं चलाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम के अंदर, अब देखिए मैं ये चलाता हूँ, कैल्शियम की गोली है, कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट्स, एक गोली में रोज़ पानी में भी डाल देता हूँ तो कबूतरों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये चूने से बनती है दोस्तों, चूना जो होता है ना, चूना सबसे बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, उसके बाद होता है एक अपनी क्या कहते हैं फिश की वो आती है हड्डी, उसमें भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, लेकिन जो मैं चलाता हूँ आपके सामने मौजूद है, 5-6 रुपये का पत्ता आता है मेरे पास, तो ठीक है, ये जेनेरिक का रहता है, जेनेरिक का 5-6 रुपये का पत्ता, 15 गोली यानी कि 15 दिन के लिए 6-7 रुपये हो जाते हैं मेरे पास। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, ये मल्टीविटामिन्स की गोली है, न्यूरोबायन फोर्ट, ठीक है, लेकिन ये जेनेरिक की है दोस्तों, नाम चीजें देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, नाम न्यूरोडेन फोर्ट, ठीक है, न्यूरोबायन अलग होती है और ये न्यूरोडेन फोर्ट है, मल्टीविटामिन्स टेबलेट्स है, ठीक है, ये भी मेरे पास करीब 6-7 रुपये का पत्ता आता है, ये एक पत्ता 10 गोलियों का 6-7 रुपये का आता है, तो ये 10 दिन चल जाता है, एक गोली मल्टीविटामिन, एक गोली कैल्शियम। और इसमें सबसे बढ़िया देने का तरीका बताऊं दोस्तों, जो उड़ने वाले कबूतर हैं या आपके जो सिंगल रखे हुए हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आटे में नमक के बराबर ज़रूरत है मल्टीविटामिन्स की, कैल्शियम की, ठीक है, आटे में जितना अपन नमक डालते हैं ना तो इतना ही पानी के अंदर एक एक गोली में मिला देंगे 50 कबूतर के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो, यानी कि 50 कबूतर के ऊपर एक गोली काफ़ी रहेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों जो डोज होता है ना वो आपको बता देता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार मैंने ग्रुप्स के अंदर देखा है कि कोई कबूतर बीमार है, बीमारी का इलाज पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं भैया एक न्यूरोबायन फोर्ट की गोली खिला दो, एक विटामिन ई की गोली खिला दो, है ना, उन्हें एवियन फोर्ट खिला दो। अब आप बहुत गौर से सोचिए, एक गोली जो है, एक गोली
ये मान के चले, देखिए कितनी सी गोली है ये, ठीक है, ये गोली कितनी सी है, बहुत छोटी सी गोली है, लेकिन ये जो गोली बनाई गई है ये एक एडल्ट के लिए बनाई गई है, यानी कि जो इंसान 50 से 70 किलो 100 किलो तक का होता है उसके लिए एक गोली है ये, ठीक है, 50 किलो से 1 क्विंटल तक के आदमी के लिए ये एक गोली है जो काम करती है। अब कबूतर का वजन आप लोग, क्योंकि कोई भी दवाई दी जाती है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, यानी कि एक किलो पे कितने एमजी दी जाएगी, तो जो भी महानुभाव जो अपने आप को बहुत महानुभाव समझते हैं, अगर वो आपको बोलें कि साहब ये एक गोली ये दे दो, एक गोली वो दे दो, ठीक है, तो समझ लेना ये बेवकूफ बना रहा है बंदा, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो एक गोली आप कोई सी भी गोली को वो करेंगे, आप कंफर्म करेंगे कि कितने परिंदों में लगना चाहिए, जानवर में लगना चाहिए, तो आप इस हिसाब से कर लें कि ये एक गोली जो है तीसरी गोली है 50 किलो के आदमी के लिए है। अब 50 किलो में अपने कितने कबूतर हो जाएंगे सोचिए आप, 50 किलो में अपने 70-80 कबूतर हो जाएंगे, और भी ज्यादा, जबकि 100 कबूतर मान के चलते हैं, 100 कबूतर हो जाएंगे तो एक गोली 100 कबूतर के ऊपर काफी है। तो एक गोली अगर मैं कह रहा हूँ 50 कबूतर, तो ये ज्यादा डोज दे रहे हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा एक किलो के हिसाब से जो डोज रहता है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से माना जाता है, यानी कि एक किलो के वजन पे कितनी एमजी अपन को दवाई देनी है। तो कबूतर 150-200-250 ग्राम का होता है मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से आप 4 कबूतर यानी कि 10 किलो, ठीक है, 250 ग्राम के हिसाब से 4 कबूतर यानी कि 1 किलो, तो 50 किलो कितने हुए, 200 कबूतर हो रहे हैं, तो ये भी एक गोली भी ज्यादा है दोस्तों, 200 परिंदों के ऊपर। तो इस हिसाब से आप अपने आप ही देखिए, अकल सबको दे रखी है ऊपर वाले ने, मेरे को भी दे रखी है, आपको भी दे रखी है, कोई भी बताए तो उस पर अन्न भरोसा ना करें। आजकल गूगल दे रखा है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल हैं, सबके पास अच्छे मोबाइल हैं, तो वो इजिली सर्च कर सकता है कि कितनी गोली ये गोली कितने किलो के आदमी के ऊपर लगेगी, तो उसके हिसाब से अपने कबूतरों को डिसाइड कर लीजिए आप। लोग बोल देते हैं, दे दीजिए साहब एक गोली ये खिला दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन आधी गोली वो खिला दीजिए, आधी गोली वो, और कॉकटेल भी एक और याद आ गया मेरे को कि कई मैंने वीडियोस देखे जिसमें एक गोली आप एजिथ्रोमाइसिन की ले लो, एक सेफ्लोक्सटीजर ले लो, एक वो ले लो, 7-8 गोली बना दी, 7-8 गोली, ठीक है, 7-8 गोली को पिसवाया और पाउडर बना के अब कह रहे हैं पानी में डाल के पिलाओ ये रिजल्ट। अरे साहब 7-8 गोली गाय को, 20-25 गोली अलग अलग ब्रांड मेरे से पूछ ले, मैं आपको और अच्छे अच्छे ब्रांड बता देता हूँ, एंटीबायोटिक कोई ना कोई सा एक तो काम करेगा भाई, पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए एक गोली होती है, ठीक है। अगर आंख नाक और गले का इन्फेक्शन है तो यानी कि RTI इन्फेक्शन है, मतलब RTI मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपर अपर लेवल अपर RTI बोलते हैं इसको, सीने से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं ना, खांसी सर्दी जुकाम, इनको URTI बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उनके लिए जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो अलग अलग है, जो अलग अलग उसमें काम करते हैं, जैसे कि आंखों से रिलेटेड कोई एंटीबायोटिक है तो डॉक्सीसाइक्लिन बोला जाएगा उसमें, अब डॉक्सीसाइक्लिन साथ में काम करेगी सर्दी खांसी जुकाम में भी, ठीक है। सेम के सेम है एमोक्सिसिलिन भी अपर RTI के लिए है, यानी कि जो ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जख्म हो जाता है उसको सुखाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो सर्दी खांसी जुकाम में भी अच्छा काम करती है। एजिथ्रोमाइसिन है, ये सबसे बेस्ट है अभी RTI इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों कई अलग अलग गोली हैं, अगर आप सोचोगे तीनों को मिला के दे दूं तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, नहीं साहब फिर गड़बड़ी हो जाएगी, पर्टिकुलर एक एंटीबायोटिक चलती है एक बीमारी के लिए, ठीक है। डॉक्टर भी अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो एक एंटीबायोटिक लिखता है, एक मल्टीविटामिन लिखता है, एक दर्द निवारक लिखता है, और इन तीनों से साइड इफेक्ट होगा उसकी वजह से जो पेट में गड़बड़ी होगी उसको रोकने के लिए एक पेंटाप्रोजोल यानी कि PPI भी लिखता है, ठीक है। तो वो नहीं, ये नहीं कि तीन चार पांच एंटीबायोटिक सारे मिला के एक साथ दे देगा, कोई ना कोई तो काम करेगा, साहब ऐसा नहीं करते डॉक्टर भी, पर्टिकुलर एक एंटीबायोटिक देते हैं एक बीमारी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे नीम हकीम खतराए जान वालों से बचें, ऐसे मिक्स करके ना दें दवाइयां, पर्टिकुलर कबूतर अगर बीमार है तो सिर्फ एक ही गोली चलेगी उसे, ठीक है, सही करने के लिए, ना कि 8-10 गोली का पूरा मिक्स कॉकटेल बना के उसे पिलाया जाएगा कि कोई ना कोई तो काम करेगा। तो ये था दोस्तों, तो आपको आज बता दिया गया है कि कैल्शियम का एक ब्रांड मल्टी विटामिन, मैं तो जाने भी यूज करता हूँ दोस्तों, सिरप में भी यूज कर लेता हूँ और टेबलेट फॉर्म में भी यूज कर लेता हूँ,
सिरप के अंदर ये है कि पानी में आसानी से घुल जाता है, टेबलेट जो है बारीक पीसना पड़ती है, उसके बाद पानी में घोलता हूँ मैं ये, ताकि ये पूरे कबूतर पी लें सारे पानी को। ठीक है दोस्तों, लिवर टॉनिक भी मैं दिखा देता हूँ, लिवर टॉनिक भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन दोस्तों सर्दियों में लिवर टॉनिक इस्तेमाल करने से बचें। जैसे ये लेवल है, ये लिवर टॉनिक ही है, ये मेरे पास 20-25 रुपये का आता है 200 ml का। ठीक है, जेनरिक का है ये ब्रांड, मेरिल का ही है ना, नहीं कौन सी कंपनी का है देखते हैं, मेरिल का है ये। तो ये अफोर्डेबल ब्रांड्स यूज़ करता हूँ दोस्तों हमेशा, कि काम भी करें और पैसा भी कम खर्च हो। तो दवाई गोली के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है कबूतरों की बीमारी से बचाने के लिए। तो आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कम कबूतर हैं, 50 से 100 कबूतर हैं, तो आप 3 दिन मल्टीविटामिन चलाएं। और एक बहुत अच्छा ब्रांड याद आ गया दोस्तों, ग्रोवेल कंपनी का जो एमिनो पावर है, वो आप 3 दिन दे सकते हैं स्टार्टिंग के, और 3 दिन उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट चला सकते हैं, कैल्शियम टॉनिक कोई सा भी, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में पोल्ट्री वाला भी डाल दूंगा, और उसके बाद लिवर टॉनिक। तो ये 3 ब्रांड्स हैं अलग अलग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 दिन तक ये तीनों आप चला सकते हैं, तो आपके कबूतर बीमारी में कम आएंगे तो सही दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन आपने तीनों का पूरे साल भर कर डाला तो कबूतर बीमारी में आने से कम बचेंगे, बीमारी में नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, आएंगे तो सही लेकिन बहुत कम आएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनका बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। अब बात करते हैं ब्रीडिंग लॉफ की, ब्रीडिंग के ऊपर अपन कितना क्या दें। ब्रीडिंग लॉफ के दोस्तों 150-200 या 200 करीब कबूतर होंगे इधर, तो इनको रेगुलरली देना पड़ता है दोस्तों दाना पानी के साथ में मल्टीविटामिन रेगुलरली देना पड़ते हैं, साथ में कैल्शियम बराबर देना पड़ते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको स्ट्रांग रहे। तो स्टार्टिंग के आप 10 दिन तक चाहें तो चला सकते हैं अपना एमिनो पावर, उसके बाद 10 दिन तक कैल्शियम सिरप, और उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन तक लिवर टॉनिक। तो इनको आप कुछ भी देंगे सपोर्टिव थेरेपी तो फायदेमंद रहेगा, जितने आप कबूतरों को दे सकते हैं उतना, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एमिनो पावर स्टार्टिंग के 10 दिन दें, या कोई सा भी मल्टीविटामिन, जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ साहब आप वही दें, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही दें, आप दूसरे भी दे सकते हैं अपनी पसंद का, ठीक है, लेकिन देना बहुत जरूरी है इनको रेगुलरली। ब्रीडिंग लॉफ को सक्सेसफुल ब्रीडिंग लॉफ बनाने के लिए आपको इसमें मल्टीविटामिन चलाना पड़ेंगे, कैल्शियम चलाना पड़ेगा, लिवर टॉनिक बराबर चलाना पड़ेगा, हर चीज आपको रेगुलरली देना पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हैं, या तो इनको स्टार्टिंग 5 दिन एमिनो पावर, 5 दिन उसके बाद अपना कैल्शियम सप्लीमेंट, या फिर अगले 5 दिन लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं। तो 15 दिन रहेगा, 15 दिन फिर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर अगले महीने से 5-5 दिन या 10-10 दिन आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपकी ब्रीडिंग लॉक परफेक्ट रहेगी और अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, सारे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे और बढ़ेंगे भी अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कबूतरों को हेल्दी फिट और फाइन कैसे रखें आप, और अपने बच्चों की ग्रोथ कैसे रखें, सक्सेसफुल ब्रीडिंग लॉक कैसे बनाएं। तो साहब थोड़ा सा सप्लीमेंट आपको जरूरी है देना, तभी अपग्रेड हो पाएंगे आपके कबूतर। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।